तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आप इंस्टाग्राम की ओल्ड स्टोरी कैसे देख सकते हैं और उन्हें परमानेंट कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आ जाना है। अभी आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको आर्काइव पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने आपकी ओल्ड स्टोरी आ जाएगी। तो अगर आपके सामने यहाँ पे स्टोरी नहीं आ रही है तो आपको इस आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको स्टोरी आर्काइव पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने ओल्ड स्टोरी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे जितने ऊपर जाएंगे आपके सामने उतनी ओल्ड स्टोरी आ जाएगी। तो आपको जिस भी स्टोरी को देखना हो सिंपल है, उस स्टोरी पे क्लिक कीजिए तो वो स्टोरी आपके सामने प्ले हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो स्टोरी किस डेट टाइम पर अपलोड की गई थी। आप यहाँ पे कैलेंडर वाइज भी स्टोरी को देख सकते हैं, जिस भी महीने में जिस भी डेट पर स्टोरी अपलोड की गई होगी उस डेट पर वहाँ पे स्टोरी का साइन शो हो जाएगा। तो जैसे ही आप उस डेट पे क्लिक करेंगे तो उस डेट पे जो भी स्टोरी अपलोड की गई होगी वो स्टोरी आपके सामने प्ले हो जाएगी। तो अब बात करते हैं कि आप किसी भी स्टोरी को कैसे डिलीट कर सकती है। तो जो भी स्टोरी आपको डिलीट करनी हो आपको उस स्टोरी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक कर देना है। कंफर्म करने के लिए बोलेगा तो आपको यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करना है। तो ये स्टोरी आपकी आर्काइव से डिलीट हो जाएगी। इसी प्रकार से आपको आर्काइव से जितनी भी स्टोरी डिलीट करनी है इस तरह से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। बट अफसोस कि यहाँ पे सिलेक्ट ऑल का कोई भी फीचर नहीं है जिससे कि आप एक साथ ओल्ड स्टोरी को डिलीट कर सके। स्टोरी डिलीट करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर वो स्टोरी आपने हाईलाइट में लगाई हुई है तो अगर आप उस स्टोरी को डिलीट कर देते हो तो आपका वो हाईलाइट्स भी डिलीट हो जाएगा। ओके, बट अगर आप चाहते हैं कि मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी यहाँ पे सेफ नहीं होनी चाहिए तो आप उस सेटिंग को यहाँ पे बंद कर सकते हैं। तो इस सेटिंग को बंद करने के लिए आप यहाँ पे ऊपर की साइड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे सेव स्टोरी टू आर्काइव की सेटिंग ऑफ कर देनी है। इसके बाद आप इंस्टाग्राम पर जो भी स्टोरी अपलोड करेंगे वो यहाँ पे सेफ नहीं होगी। तो अगर आपसे यहाँ पे स्टोरी आर्काइव से गलती से कोई स्टोरी डिलीट हो जाती है तो उसको वापस कैसे लाना है तो चलिए वो प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो जैसे ही आप यहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे योर एक्टिविटी पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड पे क्लिक करना है। तो आपके सामने वो सभी स्टोरी आ जाएगी जो अभी आपने डिलीट की है। तो मैंने अभी आपके सामने 2 स्टोरी डिलीट की थी तो वो 2 स्टोरी यहाँ पे आ चुकी है। ये 30 दिन तक यहाँ पे रहेगी, 30 दिन तक आप इन्हें रिकवर कर सकते। तो जो भी स्टोरी आपको रिकवर करनी है आपको उस स्टोरी पे क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे नीचे की साइड 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको रीस्टोर पे क्लिक कर देना है। तो ये स्टोरी आपकी दोबारा से आर्काइव स्टोरी लिस्ट में चली जाएगी। यहाँ पर आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, आर्काइव से स्टोरी डिलीट करने पर वो स्टोरी परमानेंट डिलीट नहीं होगी। तो ओल्ड स्टोरी को परमानेंट डिलीट करने के लिए 2 तरीके से गुजरना होगा। फर्स्ट आपको आर्काइव से डिलीट करनी होगी। तो जैसे ही आप उस स्टोरी को आर्काइव से डिलीट करेंगे तो वो रिसेंटली डिलीटेड की लिस्ट में आ जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ से आके आपको उस स्टोरी को डिलीट करना होगा। आई नो कि मेथड थोड़ा बड़ा है लेकिन इस तरीके से अगर आप स्टोरी डिलीट करते हैं तो आपकी वो स्टोरी कोई भी रिकवर करके नहीं देख सकता।